में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गेहूं की बुआई करते समय उर्वरकों की मात्रा के बारे में। तो इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है कि जब आप गेहूं की बुआई करते हैं तो आपको कौन कौन से उर्वरकों का प्रयोग करना है, जिससे आप अपनी गेहूं की फसल से अच्छा रिकाप्तौर पैदावार ले सके। तो किसान भाइयों, इस वीडियो का पूरा अंत जरूर देखिएगा, आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है कि अगर आप DAP के साथ गेहूं की बुआई करते हैं तब आपको कितने किलोग्राम उर्वरकों की आवश्यकता पड़ेगी और आप कितने किलोग्राम बीज का प्रयोग कर सकते हैं और उसके साथ में कौन कौन से फंगिसाइड या कौन कौन से आप उर्वरकों का प्रयोग कर सकते हैं जिससे आप अपनी गेहूं की फसल से अच्छा पैदावार ले सकें। और अगर आप SSP के साथ गेहूं की बुआई करना चाहते हैं तो आपको कितने किलोग्राम उर्वरकों की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा आप अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप एक सही और एक सटीक जानकारी ले पाएंगे। जो हमारे किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, जो हमारे किसान भाई हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे हमारे अन्य आने वाले काफ़ी गणबद्ध वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप अपने गेहूं की फसल से या अन्य फसलों से अधिक लाभ लेते रहे। किसान भाई, इस चैनल पर मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, जो मेरा 8 साल का एक्सपीरियंस है वही मैं शेयर करता हूँ। तो इस चैनल पर आपको 100% सही और एक सटीक जानकारी मिलती है, ऐसी जानकारी आपको किसी और चैनल पर नहीं मिल पाएगी। तो आइए हम शुरू करते हैं किसान भाई कि हमें गेहूं की बुआई करते समय किन किन चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए और किन किन चीज़ों की सावधानी रखना चाहिए। अगर आप थोड़ी सी भी गलती कर देते हैं तो आप अपनी गेहूं की फसल से काफ़ी सारा नुकसान उठाते हैं। तो किसान भाई, सबसे पहले मैं बात करूँगा कि जब आप गेहूँ की बुआई करने के लिए सोचते हैं तो किसान भाई आप बीज के बारे में ज़रूर सोचिएगा, क्योंकि बीज आपको हमेशा ही नए बीज का चुनाव करना है, क्योंकि नए बीज में कोई भी फंगस या कोई भी बीमारी का अटैक नहीं होता। तो आप कोशिश करें किसान भाई कि आप हमेशा नए बीज का ही चयन करें। दूसरी बात करते हैं किसान भाई कि जब आप गेहूं की बुआई कर रहे हो, गेहूं की बुआई करने से पहले बीज शोधन अवश्य करना चाहिए किसान भाइयों। अगर आप सही समय पर बीज शोधन करके किसान भाई गेहूं की बुआई करते हैं तो आपका जो गेहूं का जवाब होगा वो 100% जवाब होगा, क्योंकि किसान भाई काफ़ी सारी हमारी फंगस होती है, काफ़ी सारे हमारे जो फंगस या काफ़ी सारे हमारे कीटनाशक जो कि हमारी ज़मीन में पहले से ही मौजूद होते हैं, तो अगर हम बीज शोधन कर लेते हैं किसान भाई तो वो हमारी समस्या खत्म हो जाती है। अब बात कर लेते हैं किसान भाई कि उर्वरकों की, अगर आप DAP के साथ में गेहूं की बुआई करते हैं तो आपको कितने किलोग्राम कौन कौन से उर्वरकों की ज़रूरत पड़ेगी, कौन कौन से उर्वरक आपको देना चाहिए। तो किसान भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप DAP के साथ में गेहूँ की बुआई करते हैं तो किसान भाई DAP में नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस होता है। तो किसान भाई, आपको 1 एकड़ में जो DAP की जो मात्रा है किसान भाई, आपको 50 से 60 किलोग्राम लेना है और उसके साथ में आपको MOP पोटास लेना है और उसके साथ में किसान भाई आपको 5 किलोग्राम सल्फर की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि सल्फर हमारी जो गेहूँ की जो फसल होती है उसकी टेलरिंग में काफ़ी ज़्यादा सहायता करता है और किले की ग्रोथ को बढ़ाता है। तो आपको इन 3 चीज़ों का प्रयोग करना है। अब बात करते हैं किसान भाई कि हमें अगर कोई और समस्या हो जाती है, जैसे कि कीटनाशक या कोई भी अन्य समस्या, तो उसके लिए किसान भाइयों आप अपने गेहूं की फसल में कोई भी एक कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं। उसमें आप जैसे कि मान लीजिएगा आप रीजेंट का प्रयोग कर सकते हैं, आप 1 एकड़ में किसान भाइयों आप करीब 4 से 5 किलोग्राम रीजेंट या कोई अन्य कीटनाशक का प्रयोग करके आप गेहूँ की बुआई कर सकते हैं। एक चीज़ और किसान भाइयों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप गेहूँ की बुआई कर रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप गेहूँ की बुआई मशीन के द्वारा ही करें, तब आपकी जो गेहूं की जो फसल होगी उससे आप अच्छा पैदावार ले पाए, क्योंकि जब हम हाथ से बुआई करते हैं तो हमारा जो दाना होता है वो खेत के ऊपर ही पड़ा रहता है। लेकिन गेहूं की एक टेक्निकल विधि है कि जब तक आपका दाना 4 सेंटीमीटर के नीचे नहीं जाता है, जब तक वो सही तरीके से जमाव नहीं कर पाता, उसकी जड़ें सही तरीके से नहीं जम पाती है। तो इस प्रकार से किसान भाई अपने गेहूँ की फसल से इन खादों का प्रयोग करके अच्छा पैदावार ले सकते हैं। तो किसान भाई, आशा करते हैं मैं आपको एक सही और एक सटीक जानकारी दे पाया। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद ना आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और किसान भाई, अगर आपको कोई सवाल रहता है तो आप हमें डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपका जो सवाल होगा उसका मैं तुरंत ही जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो अगली वीडियो मिलते हैं किसान भाई, नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद किसान भाइयों।